everyone. Welcome to PM Networking. Today in this video we will discuss types of traffic. Traffic कितने types के होते हैं? So guys, traffic तीन types के होते हैं. सबसे पहला होता है आपका control plane traffic, second one is management plane traffic and third one is data plane traffic. Control plane, management plane और data plane traffic, तीनों types के traffic को डिस्कस करेंगे हम लोग वन बाय वन. मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि डेटा प्लेन में किस टाइप का ट्रैफिक आएगा, मैनेजमेंट प्लेन में किस टाइप का ट्रैफिक आएगा और आपका डेटा प्लेन में किस टाइप का ट्रैफिक आएगा, राइट. तीनों को एग्जांपल के साथ समझते हैं. काफी टाइम से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि एक वीडियो बनाइए टाइप्स ऑफ ट्रैफिक के ऊपर. सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं सबको वन बाय वन. सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंट्रोल प्लेन. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंट्रोल प्लेन, पहला टाइप का ट्रैफिक, राइट. कंट्रोल प्लेन, इसके अंदर आप लिखिए द ट्रैफिक जनरेटेड, ट्रैफिक जनरेटेड बाय द डिवाइस ट्रैफिक जनरेटेड बाय द डिवाइस एंड टू द डिवाइस, राइट. ट्रैफिक डिवाइस ही जनरेट करेगा, किसके लिए, डिवाइस के लिए. एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के लिए ट्रैफिक जनरेट कर रहा है. इस टाइप के ट्रैफिक को आप क्या बोलते हो, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे आपने CCNA का पूरा अगर वीडियो देखा होगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे EIGRP, OSPF, RIP, राइट. तो देखो दो राउटर है जैसे मेरे पास, दिस इज माय राउटर 1 R1 एंड दिस इज माय राउटर R2, राइट. इस दोनों राउटर के ऊपर में यहां पे कुछ IP एड्रेस होगी, सपोज 12.0.0.1 एंड 12.2. इस इंटरफेस के ऊपर में IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है मैंने. मैंने आपको क्या बताया था कि राउटर के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल को इनेबल करते हैं, राइट, ताकि रूट को क्या करें, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें. तो इसके ऊपर अगर R1 के ऊपर में मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करना है तो कैसे हम लोग इनेबल करते हैं, क्या है कमांड, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में कमांड आप चलाते हो राउटर, और जैसे मुझे EIGRP इसके ऊपर में इनेबल करना है तो राउटर EIGRP आफ्टर दैट AS नंबर सपोज आई एम यूजिंग 10 AS नंबर, आफ्टर दैट नेटवर्क कमांड, राइट. सो नेटवर्क और यहां पे अगर मैं 12 का नेटवर्क देता हूं, 12.0.0.0, राइट. जैसे ही मैंने ये कमांड देके एंटर किया, इस इंटरफेस से क्या करेगा राउटर 1, एक हेलो मैसेज भेजना शुरू कर देगा, राइट. एक हेलो मैसेज भेजना शुरू कर देगा और जैसे ही मैं इस राउटर पे भी करूंगा कॉन्फ़िगर EIGRP, इस इंटरफेस से एक हेलो मैसेज भेजना शुरू कर देगा इसके लिए. तो ये जो हेलो मैसेज है, हेलो मैसेज ये कौन जनरेट कर रहा है, R1, किसके लिए, R2 के लिए. दैट मींस आपका एक डिवाइस जनरेट कर रहा है दूसरे डिवाइस के लिए. तो ये एक ट्रैफिक है, ये कौन से टाइप का ट्रैफिक हो गया, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, राइट. जो एक डिवाइस जनरेट कर रहा है एक दूसरे डिवाइस के लिए. जैसे मैंने यहीं पे OSPF चला रहा हूं तो OSPF का जो भी डेटा होगा, राइट, वो R1 R2 के लिए जनरेट करेगा, वो सारे ट्रैफिक क्या हो गए, कंट्रोल प्लेन. अगर मैं स्विच, दो स्विच की बात करूं, देखो दो स्विच है मेरे पास सपोज, और इसको मैं कनेक्ट किया हूं. स्विच के ऊपर में बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल चल रही होती है STP, मैंने डिस्कस किया था आपको CCNA 200301 में, राइट. तो STP जैसे ही यहां पे इनेबल है तो इस पोर्ट से ये स्विच क्या करता है, एक STP का मैसेज भेजता है BPDU, राइट. और इस इंटरफेस से ये भी स्विच इसको क्या भेजता है, अपना BPDU, राइट. ये क्या है, STP का एक मैसेज है. तो ये ट्रैफिक सब क्या है, एक डिवाइस जनरेट कर रहा है एक दूसरे डिवाइस के लिए. तो ये सारे ट्रैफिक क्या हो गया आपका, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, राइट. तो लेयर 3 के ऊपर में कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक में बोल सकते हो आप, जैसे रिप क्या है, किसके लिए काम करता है, लेयर 3 के लिए. हाँ पता है मुझे कि ये लेयर 7 का प्रोटोकॉल है बट काम करता है लेयर 3 के लिए. तो ये क्या हो गया मेरा, एक रिप का जितना भी ट्रैफिक होगा वो ट्रैफिक इसमें आएगा कंट्रोल प्लेन में, राइट. आफ्टर दैट EIGRP, OSPF, ओके, BGP एंड लेयर 2 के ऊपर में STP, CDP, राइट, DTP.
ये सब जो ट्रैफिक है लेयर टू के ऊपर में जनरेट कर कौन कर रहा है, डिवाइस कर रहा है एक दूसरे डिवाइस के लिए। तो ये सारे ट्रैफिक आएगा आपका कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक में। अब डिस्कस करते हैं दूसरे टाइप का ट्रैफिक, वो क्या है, मैनेजमेंट ट्रैफिक, राइट। दूसरे टाइप का ट्रैफिक डिस्कस करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट प्लेन। मैनेजमेंट प्लेन, सो इसके अंदर में लिखो द ट्रैफिक जनरेटेड बाय द यूजर टू द डिवाइस, राइट। ट्रैफिक विच इज जनरेटेड बाय यूजर टू द डिवाइस, यूजर ट्रैफिक जनरेट कर रहा है किसके लिए, डिवाइस के लिए। इसका एग्जांपल में क्या हो सकता है, देखो मेरे पास सपोज करो कि यहां पे क्या है, एक राउटर है और यहां पे भी क्या है, एक राउटर है, राइट। आर टू दिस में आर वन, ओके, एंड हेयर वन स्विच एंड हेयर मैं पीसी। इस राउटर के ऊपर में मैं एक सर्विस एनेबल किया हूं, टेलनेट। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि टेलनेट क्या होता है, टेलनेट इज ए प्रोटोकॉल विच इज यूज टू टेक रिमोट एक्सेस ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस, राइट। नेटवर्किंग डिवाइस का रिमोट एक्सेस के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो क्या है, टेलनेट। तो इस राउटर के ऊपर में मैं क्या करूंगा, टेलनेट एनेबल करूंगा। उसके बाद यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इस राउटर को एक्सेस कर सकता हूं। यहां पे कुछ आईपी एड्रेस होगी, सपोज आईपी एड्रेस क्या है 10.1, तो इस 10.1 आईपी एड्रेस की हेल्प से मैं इस पीसी से इसको क्या कर सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं रिमोटली, राइट। तो यहां पे जो ये यूजर है, ये यूजर अगर टेलनेट को एक्सेस कर रहा है, राइट, तो क्या कमांड चलेगा, टेलनेट एंड 10.0.0.1 इसका आईपी एड्रेस। तो यहां पे जो ट्रैफिक जनरेट होगा वो ट्रैफिक कौन जनरेट कर रहा है, ये यूजर जनरेट कर रहा है, राइट, बट किसके लिए, डिवाइस के लिए। तो जब भी यूजर एक ट्रैफिक को जनरेट कर रहा है किसके लिए, डिवाइस के लिए, तो वो ट्रैफिक क्या होगा आपका, मैनेजमेंट प्लेन में आएगा, मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक आएगा वो, राइट कहलाएगा। इसी में आपका आ जाएगा SSH भी है, SSH ये भी प्रोटोकॉल है जो कि क्या है, रिमोट एक्सेस के लिए लेते हैं, लेकिन ये क्या आपका सिक्योर है और ये अनसिक्योर है। इसमें आपका प्लेन टेक्स्ट में जाता है इंफॉर्मेशन और इसमें इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, राइट। तो ये सारे ट्रैफिक जो एक यूजर जनरेट कर रहा है किसके लिए, डिवाइस के लिए, वो सारे ट्रैफिक आएगा आपका मैनेजमेंट प्लेन में। थर्ड टाइप की ट्रैफिक डिस्कस करते हैं जो कि क्या है आपका, डेटा प्लेन। थर्ड वन इज डेटा प्लेन, इसके अंदर में लिखो द ट्रैफिक जनरेटेड बाय द यूजर, द ट्रैफिक जनरेटेड बाय द यूजर टू द यूजर, राइट, टू द यूजर या फॉर द यूजर। ट्रैफिक जनरेटेड बाय द यूजर फॉर द यूजर, एक यूजर एक दूसरे यूजर के लिए अगर ट्रैफिक जनरेट कर रहा है तो वो ट्रैफिक क्या आएगा आपका, डेटा प्लेन के अंदर में। मैं इसको भी आपको एक एग्जांपल के साथ और क्लियर करता हूं। तो देखो सपोज ये क्या है, मेरे पास एक स्विच, यहां पे एक मेरा स्विच है और यहां पे लगे हुए हैं मेरे कुछ पीसी, ओके। आफ्टर दैट ये क्या है, एक राउटर के थ्रू कनेक्टेड है और ओके, एंड एक मेरे पास क्या है, यहां पे दूसरा स्विच है, ओके, और यहां पे एक लगा हुआ है क्या, दूसरा पीसी, राइट। ये भी क्या है, मेरे राउटर के साथ क्या है, कनेक्टेड है, राइट, R1 R2। अब इस नेटवर्क को और इस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए मैं क्या लिया हूं, ISP, राइट। ये क्या है, ISP के थ्रू मैं दोनों को क्या किया हूं, कनेक्ट किया हूं, ओके। अब इस पीसी में सपोज कर लो कि कोई फाइल है, सपोज PDF फाइल है, यहां पे कुछ PDF फाइल है या क्या है, सॉन्ग है, MP3 है, वीडियो है, कोई भी फाइल है, कोई भी डेटा है। ये पीसी किसको भेजना चाहता है, ये डेटा इसको, इस पीसी को, ये पीसी या डेटा किसको भेजना चाहता है, इसको, इस पीसी को, राइट। तो डेटा कहाँ पे आएगा, स्विच के पास, स्विच राउटर को देगा, राउटर ISP से होते हुए, इस राउटर से होते हुए यहाँ पे ये PDF आपका ट्रेवल होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूजर दूसरे यूजर के लिए क्या कर रहा है, डेटा जनरेट कर रहा है। तो इस टाइप के डेटा सारे किस में आएगा आपका,
डेटा प्लेन में, राइट, वो डेटा जो यूजर एक दूसरे यूजर के लिए जनरेट कर रहा है, राइट। जैसे आप आपके कंपनी में कितने भी कंप्यूटर है, राइट, एक दूसरे कंप्यूटर के साथ में जो कम्युनिकेशन हो रही है, राइट, तो वो डेटा एक कंप्यूटर जनरेट कर रहा है दूसरे कंप्यूटर के लिए, तो वो सारे डेटा किस में आएगा, आपका डेटा प्लेन के अंदर। होप गाइस आपको तीनों टाइप के डेटा क्लियर हो गया होगा, ट्रैफिक क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है, कौन से ट्रैफिक कौन से टाइप्स का है। ओके, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए, और अगर कोई भी ऐसे टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जिस पे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाता है, जैसे आपने CCNA 200301 राउटिंग एंड स्विचिंग का प्लेलिस्ट में जाके आपने वीडियो देखना शुरू किया, आपने वीडियो देखा कहीं पे आपको आके क्या होगी, कंफ्यूजन होगी यहाँ पे कि ये चीज़ अच्छे से नहीं समझ में आया, आप वहीं पे कमेंट करिए कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसके ऊपर में छोटा सा वीडियो बना के एक्सप्लेन करके आपको दे दूंगा। होप आपको कि ये अभी टाइप्स ऑफ ट्रैफिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।